दीवार पर लगे इन दस्तावेजों के मुताबिक बैगा समाज की चित्रकारी में कोई परंपरा नहीं है, परंतु दीवारों पर चस्पा कागजों पर उकेरे गए चित्र उन बैगा बच्चों की भावनाओं और पर्यावरण के साथ साथ प्रकृति प्रेम के अलावा वन्य प्राणियों के प्रति सोच को प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, अचानकमार अभयारण्य क्षेत्र में अभयारण्य शिक्षण समिति हायर सेकेंडरी स्कूल छपरवा में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर एक चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रभुदत्त खैरा के साथ विशेष रूप से आमंत्रित साहित्यकार पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी मौके पर मौजूद रहे। बैगा आदिवासी बच्चों के बीच मौजूद पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी ने उन चित्रों को करीब से देखा जिसे जंगल में रहने वाले बैगा बच्चों ने मन के भीतर छिपी भावनाओं को रंगों के जरिए कागज पर केवल आकार भर नहीं दिया है, बल्कि समाज को ये संदेश देने की कोशिश कर गए जिन्हें समाज का बहुत बड़ा वर्ग मानने को आज तैयार नहीं है। इसमें चित्र बनाने वाले जो बच्चे हैं उन लोगों ने कभी चित्र देखा नहीं, और चित्र कैसे बनाते हैं ये किसी ने कभी उनको बताया नहीं। ये कागज देते हैं और वो पेंसिल देते हैं, बनाओ अपने मन से, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। 6 साल से 12 साल के बच्चे लोग बनाए, और पर्यावरण को लेकर के सबसे बात ये है। पिछले 18 बरस से लमनी में रहकर बैगा आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक उत्थान के साथ साथ शिक्षा के जरिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करने वाले डॉक्टर प्रभुदत्त खैरा ने कहा कि जंगल में रहने वाले बैगा आदिवासी सही मायने में जंगल और पर्यावरण के साथ साथ वन्य प्राणियों के संरक्षक हैं। उन बच्चों की भावनाएं चित्र के जरिए कागजों पर उकेरी गई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बैगा बच्चों में भी कला छिपी हुई है। जब हमने बच्चों से काम करवाना शुरू किया तो तब पता चला कि उनमें बहुत भारी उत्सव है बनाने का, और वो कला को ऐसे बनाते हैं जैसे खेत में लोग काम करते हैं, या अपने रसोई घर में आदमी काम करता है, जिसमें बिल्कुल बेचैनी नहीं है। एकदम जो ही मन में होता है एकदम वो सीधा ही पेंसिल से उतार लेते हैं। ये जिसको मैं फोटो रिफ्लेक्शन बोलता हूँ या मिरर रिफ्लेक्शन बोलता हूँ, ये मिरर रिफ्लेक्शन जो है ये आम आदमी का काम नहीं है, ये तो इनके अंदर में ही कुछ ऐसी बात है कि उसको अपने मन की जो उनकी भाषा है, मन की भाषा को चित्र के रूप में ऐसे बना देते हैं और जिसमें अदल बदल की जरूरत नहीं होती। जंगल के भीतर सिर पर पानी रखकर दूर से लाने की पीड़ा इस चित्र के जरिए समझी जा सकती है। हमारे जंगल में रही थान सब जानवर मन के बीच में, और हमारे छोटे छोटे भाई बहनी आदिवासी लड़का मन बना है ला, और हमारे घर सब बीच में रही थान, हमारे ला पेड़ पौधा शुद्ध हवा मिलते, और छोटे छोटे लड़का मन हमारे सब कोई मिल के अपन मन के जन चित्र आते हमारे मन में ओला हमन बनाथन, और ऐसे भी हमन देखे नहीं जावन ओला, लेकिन अपन मन से अपन के ए तरीका से हुई ऐसे करके हुई ऐसे करके हमन बनाथन। कभी किसी ने उल्लू पालने की बात नहीं सुनी हो तो इस चित्र के जरिए यकीन कर ले कि लमनी में रहने वाली एक बैगा महिला ने सफ़ेद उल्लू पाल रखा था, जो विस्थापन के बाद परिवार सहित दूसरे गांव अब चली गई है। वहीं वनों की कटाई का मर्म भी इन चित्रों के जरिए बैगा बच्चों ने व्यक्त की है। साथ ही हाथी, मोर, वन भैंसों के अलावा उन शेरों का रेखा चित्र भी कागजों पर आकार ले चुका है, जिनकी संख्या को लेकर आज भी प्रदेश का वन मंत्रालय और अफसर एक राय नहीं है। खैर, वनों के बीच रहकर जंगल के प्रति अपनी भावनाओं को संजीदगी से रंग और आकार देने वाले बच्चों को लगातार शिक्षा के जरिए मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिशें डॉक्टर खैरा जैसी समर्पित शख्सियत के जरिए जारी है। अभी तक के लिए सत्यप्रकाश पांडे।